एक्स्ट्रा टाइम। ऑलराइट, हेलो, गुड इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो इसलिए क्योंकि सीरीज की शुरुआत भी आज ही से हुई है, इंडिया और श्रीलंका के बीच। 2012 से इंडिया एक भी वनडे इंटरनेशनल मैच नहीं हारी है श्रीलंका के अगेंस्ट। 159 टाइम्स दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़ चुके हैं, जिसमें ऑफकोर्स इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। सबसे ज्यादा बार यही दो टीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट खेले एक दूसरे से। लेकिन आज का मैच जो है वो इंडियन टीम के लिए बिल्कुल किसी स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम की तरह था। घर से बैठ के दो बुक का रेफरेंस ले सकते हो, गूगल भी ले सकते हो, इतना आसान लग रहा था हमारे प्लेयर्स के लिए। टू डिस्कस दिस वी हैव चंद्रेश नारायण, वाज विद आईसीसी मीडिया मैनेजर, दिल्ली टीम के साथ भी थे, दिल्ली डेयर डेविल्स उस समय थे, एंड ऑफ कोर्स हैज हिज ओन चैनल क्रिकेट क्रॉनिकल्स। कैसे हैं चंद्रेश भाई? बिल्कुल बढ़िया हूं अभिषेक, आप कैसे हो? ऑल वेल, थैंक यू। एंड कोलकाता से सीनियर जर्नलिस्ट देवाशीष सेन, देवाशीष दा, क्या हाल है आपके? थैंक यू अभिषेक, बढ़िया। राइट, आज स्टार्ट ही करते हैं, मतलब चलिए रिजल्ट तो ये ऐसा होना ही था, कोई मतलब कुछ सरप्राइज तो नहीं हुआ चंद्रेश भाई? बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ, बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था, जो देखने वाले थे उनके लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग था। पहले से ही पता था हमको कि ये रिजल्ट होने वाला है, बिकॉज एक वन साइडेड अफेयर था, बिकॉज दोनों टीम्स के स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। भारत के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा नहीं थे, फिर भी आप देख लीजिए कितना डेप्थ है भारत के पास कि आप उसके बावजूद जीत पाए इस मैच को। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि भले ही लोग कहें कि ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है, पर आपके जो रेगुलर वाइट बॉल प्लेयर्स हैं वो सारे हैं। राइट, इंडिया के लिए देवाशीष दा ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है ये वो लोग कह रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं। और श्रीलंका की तो हमें लग रहा है या फिफ्थ या सिक्स्थ साइड टीम होगी, जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं उनके लिए अभी टैलेंट जुगाड़ना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हम अपनी टीम की अगर बात करें, उनके साथ तो ये एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा आउट ऑफ सॉर्ट्स लगे, मे बी बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार अपने बॉलिंग में। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि भूबी वॉज अ बिट रस्टी, क्योंकि देखिए इतने बाद दिन बाद वो उतरे थे, 63 रन दिया था, मगर ही लुक्ड अ बिट रस्टी और वो उसका गेम से पता चल रहा था। क्योंकि देखिए पिछले आखिर का जो लास्ट ओवर था उसमें वो एक चौका और दो छक्के बटोरे श्रीलंका, तो देखिए बिकॉज भूबी हम सब जानते हैं कि ही इज अ डेड बॉर्डर स्पेशलिस्ट, हमेशा से इंडिया के लिए अच्छा करते आ रहे, मगर देखिए इट विल, मगर ये जो रस्टीनेस है ये चला जाएगा, बिकॉज नॉट अ बिग ह्यूज कंसर्न, बट देन द बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया इज दैट हार्दिक पांड्या बोलिंग, क्योंकि देखिए और कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव्स है, क्योंकि देखिए और एक चीज जो द बिगेस्ट पॉजिटिव इंडिया के लिए वो है वो ईशान किशन, क्योंकि देखिए उसने T20 डेब्यू में भी कितना अच्छा प्रदर्शन किया और आज उसने अपना वनडे डेब्यू भी शानदार प्रदर्शन किया, क्योंकि देखिए देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि शायद संजू सैमसन खेलेगा, ये हम लोग ने डिस्कस भी किया था चंद्रेश के साथ प्री शो में, तो मगर ईशान किशन हैज ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटीज विद बोथ हैंड्स, तो आई थिंक दिस इंडिया हैज टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, क्योंकि देखिए श्रीलंका ऑन द फर्स्ट काउंट 262 बिन ओवर में 32 रन नहीं बटोरते, तो देखिए ऑल इन ऑल आई थिंक इंडिया इट वाज अ वेरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस। और ये रही जो बात आपने जो कहा कि ये सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड ये सब है, ये दिस इज अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ दोज हु हैव ट्राइड टू हाईलाइट दिस कि ये फैला रहा था कि ये सेकंड स्ट्रिंग साइड, बिकॉज दिस इंडियन साइड इज टू स्ट्रांग फॉर दिस फर्स्ट स्ट्रिंग श्रीलंकन साइड। राइट चंद्रेश भाई, अगर श्रीलंका की टीम की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारे उनको चेंजेस चॉप एंड चेंज करने पड़ेंगे, ये तो उनका 12वां कप्तान है, पिछले 5 साल में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया, 12 कप्तान इन्होंने चेंज किए, अब तो लग रहा है इस सीरीज के पास 13वां भी आ जाएगा इनका। शायद कोच भी बदल जाएंगे, क्योंकि उनका कोच का भी जो निकालने का रेट है वो भी प्रीटी हाई है उसी तरह, तो आई थिंक दैट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि श्रीलंका उसी लेवल पे परफॉर्म करें जिस लेवल पे वो पहले करते थे, बट ऐसा होता है ना अभिषेक कि वो जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स थे पहले 90s में, फिर उसके बाद 2000s में, वो बार बार वो जनरेशन आना मुश्किल है। अब भारत को ही ले लीजिए, प्लेयर्स हमारे पास तगड़े हैं, बट आप सुपरस्टार बोले तो रोहित, विराट, जसप्रीत बुमराह सुपरस्टार उतने ही रह गए हैं,
तो वर्ल्ड क्रिकेट में भी सुपरस्टार्स बहुत कम रह गए। क्वालिटी ऑफ प्लेयर ज्यादा जरूरी है, जो भारत के पास अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के पास अच्छा नहीं है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे बहुत सारे टीम्स हैं और छोटे कंट्री के लिए बहुत सारे टीम्स हैं। एंड आई थिंक दैट वो बहुत ज़्यादा उनकी और लड़ाइयाँ भी चल रही है प्लेयर के साथ, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स बाहर हैं। कुछ सीनियर प्लेयर डरहम में इंग्लैंड दौरे पर वॉकअबाउट चले गए ब्रीच करके बायो बबल को, तो बहुत सारे इश्यूज हैं उनके पास। तो आई थिंक दैट इस सब के बीच में ये सीरीज खेलना, आई थिंक हार कोई किसी को मतलब कोई शक शुबा नहीं है कि ये हार होना ही था, बिकॉज वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं है उनके पास अनफॉर्चुनेटली। राइट देवाशिता, इंडियन टीम की अगर बात करें, मतलब वैसे तो सभी का फ्यूचर बड़ा अच्छा लग रहा है, शायद ये लोग 2020 वर्ल्ड कप में भी रहेंगे टीम में, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, सर्टेनिटीज है। एक मनीष पांडे थोड़ा ऑड वन आउट लग रहा है आपको? Obviously, I don't think he will, मुझे नहीं लगता कि मनीष पांडे विल मेक इट टू दैट T20 स्क्वाड, क्योंकि देखिए जो इंडियन टीम के पास जो स्ट्रेंथ है, जो बैक एक एक हर एक पोजीशन में यू हैव वन ऑप्शंस, क्योंकि देखिए दिस इज द यही है खासियत जो इंडियन टीम का है। तो मुझे नहीं लगता कि मनीष पांडे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट T20 स्क्वाड, बट देन द बिगेस्ट, जैसे मैंने कहा कि द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर इंडिया विल हैज टू बी द इमर्जेंस ऑफ ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव इन रिसेंट टाइम्स। तो यही है पॉजिटिव कि देखिए जब जो बाकी का जो प्लेयर्स आ जाएंगे इंग्लैंड दौरे से, तो मीन्स ऑब्वियसली आई थिंक इंडियन साइड जो है इट्स अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल साइड। और आज एक इंटरव्यू भी हम देख पढ़ रहे थे, इयान चैपल ने भी कहा कि जो इंडियन टीम का जो बैटिंग है, आई थिंक वो शायद वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियन टीम का जो बैटिंग डेप्थ है वो शायद किसी भी और टीम से ज्यादा है। तो दिस हैज बीन द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अस। तो आई थिंक जो बात आप कह रहे थे कि टू दैट T20 स्पॉट, राइट। चंद्रेश भाई, पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच दिया गया है, शुरुआत उन्होंने अपने यूजुअल अंदाज में किया जैसे करते हैं, चौके मार के, वेरी नाइस डिलाइटफुल ड्राइव्स, पंचेस सब मारे उन्होंने। एक शॉर्ट बॉल थोड़ा सा वो उनको अननर्व कर गया, ये पहले भी कर गया है, लेकिन इस लेवल ऑफ क्रिकेट में अगर आप शॉर्ट बॉल से अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर वही सुरेश रैना वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको उनको काउंटर करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अ सेकंड क्वेश्चन कि क्या मैन ऑफ द मैच का चयन सही था इन पृथ्वी शॉ या किसी और को भी दे सकते? मैन ऑफ द मैच का चयन बिल्कुल सही था मेरे हिसाब से। ये शॉर्ट बॉल वाली बात ना, ये शॉर्ट बॉल दुनिया में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं अभिषेक जो शॉर्ट बॉल से तकलीफ नहीं पाता, सारे बल्लेबाजों को ये तकलीफ होता है। तो आई थिंक दैट इट इज अनफेयर टू टारगेट और सिंगल आउट सुरेश रैना और पृथ्वी शॉ, बट आई थिंक हैट्स ऑफ पृथ्वी शॉ, शानदार शुरुआत इस सीरीज में, और आई थिंक आई लाइक दिस अप्रोच। वो टेक्निक में भी थोड़ा चेंज उनके देखने को मिला क्लियरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काम किया अपने क्रिकेट पे पिछले 6 महीने में, जब से उनको टीम से निकाला है टेस्ट टीम से, तब से उन्होंने बहुत काम किया, बट उनको उसी लेवल पे रहना है। राइट, उनका गेम यहाँ पे है। अगर वो अपना माइंड को स्ट्रांग रखेंगे तो मेरे ख्याल से वो उसको उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो इस तरीके के फॉर्म में रहे, कितना मुश्किल हो जाएगा उनको T20 टीम से बाहर रखना वर्ल्ड कप के लिए, फिर ओपनर्स में क्लैश हो जाए। एनीवेज आप पैंडेमिक की वजह से आपको 23 लोग लेके जाने पड़ेंगे। मनीष पांडे का आपने सवाल पूछा, आई डोंट थिंक मनीष पांडे को T20 क्रिकेट के लिए कंसिडर भी किया जा रहा है। उनका रोल वन डे क्रिकेट के लिए, आई डोंट थिंक इज बीइंग लुक्ड एट फॉर द T20 फॉर्मेट। एक देवाशिता बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आज के मैच में हुई कि उनका जो विकेट कीपर था वो 25th विकेट कीपर था, हमारा जो विकेट कीपर ईशान किशन वो भी 25th विकेट कीपर था फॉर इंडिया वन डे इंटरनेशनल, उनका कैप्टन भी 25th कैप्टन था फॉर द कंट्री, शिखर धवन भी 25th कैप्टन थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और देखने को मिली कि दो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बोलर्स खेल रहे थे ऑन द ऑपोजिट एंड, हमारी तरफ से कुलदीप यादव, उनके तरफ से उनका मैं नाम मिस कर जा रहा हूँ, संदाकन शायद नाम था उनका, संदाकन, लक्ष्मण संदाकन, हाँ संदाकन। वेरी हार्टनिंग टू सी कुलदीप यादव बैक एंड अमंग्स द विकेट।
यार देखिए इट वाज अ लिटिल बिट हार्श, क्योंकि देखिए आप अगर देखें कि वो एक मैच जो था बर्मिंगहम में अगेंस्ट इंग्लैंड, वो एक इट वाज अ वन ऑफ मैच, क्योंकि देखिए ऑन दैट गिवन डे इंग्लैंड बैट्समैन वर टू डोमिनेंट, ये आपको मानना है, मगर उसके बाद एक ही रिजल्ट खराब होने से इंडियन टीम ने वो निर्णय लिया कि टू ब्रेकअप दिस प्लेयर, बिकॉज इट वॉज द सेम प्लेयर हु वॉन यू मैचेस डे इन एंड डे आउट, मगर एक खराब प्रदर्शन के बाद। एंड कुलदीप यादव, मगर अच्छा कुलदीप यादव फॉर मी इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, क्योंकि देखिए आज भी उन्होंने शुरुआत में ही दोनों दोनों विकेट झटके, यजुवेंद्र चहल ने पहला बॉल पे ही विकेट लिया, तो दीज आर विकेट पोटेंशियल विकेट टेकिंग बॉलर्स। तो आई थिंक हालांकि अभी भी आई स्टिल डाउट वेदर कुलदीप यादव विल मेक इट टू द T20 स्क्वाड, बट देन क्योंकि इंडियन इंडियन टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्योंकि देखिए यू हैव द लाइक्स ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा, और तो डेफिनेटली इज अ श्योर शॉट अलोंग विथ यजुवेंद्र चहल, तो राहुल चहर ऑल्सो माइट गेट अ नॉट, तो देखिए बट स्टिल आई वुड से दैट इतने कुलदीप यादव हैड अ लॉट टू प्रूव, और वो जो ही लुक वेरी पॉजिटिव राइट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि देखिए हालांकि ही वेंट अ लिटिल बिट रन ऑन ऑन टू मच ऑफ अ रन, बट देन ऐसे होता है, लेग स्पिनर बोलर इज ऑलवेज वेरी अटैकिंग, क्योंकि देखिए और खास बात यह है कि देखिए ही हैड अ लॉट टू प्रूव, और आई थिंक ही हैज टिक द राइट बॉक्सेस, मगर अभी भी हम लोग को देखना है, क्योंकि देखिए अभी भी स्पिनर्स हमारे इस टीम में है, क्योंकि वरुण वरुण चक्रवर्ती है, यू हैव राहुल चहर, वी विल डेफिनेटली गेट एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए ये तो अभी कह देना कि कुलदीप यादव इज डेफिनेटली बुक की कर दिया दुबई के लिए टिकट्स, आई थिंक इट्स टू इट लिटिल बिट टू अर्ली, मगर आई थिंक इट इट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। राइट अभी चंद्रेश्वर कुलदीप यादव की बात पूछ ही लेता हूँ ना, बाद में भूल जाऊंगा। KKR की टीम में वो खेलते हैं IPL, शायद कोई और टीम अगर उनको मिलता तो उनके लिए थोड़ा बेहतर होता, कंसिडरिंग ईडन का विकेट पूरा चेंज हो गया है, और साथ में अब उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन थोड़े ज्यादा उनके टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेहतर है, शायद कोई और टीम मिलता, कोई और विकेट मिलता थोड़ा बेहतर होता। और पिछले 2 साल से तो ईडन गार्डन्स में खेल ही नहीं रहे, वो भी एक है, बट आई थिंक दैट आई डोंट थिंक इज इन द रेकनिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज जैसे देवाशीष ने कहा आपके पास रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, युजवेंद्र चहल है, राहुल चहर है, और फिर वरुण चक्रवर्ती है। मैं तो ये मानता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप में भारत राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती के साथ खेलेगा, नॉट युजवेंद्र चहल और एनीवन एल्स, और आप तीसरा जो स्पिनर होगा इट कुड ईदर बी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, बिकॉज बोथ ऑफ देम बैट एज वेल, तो आई थिंक दैट इन दैट सेंस कुलदीप यादव लाइक मनीष पांडे वन डे फॉर्मेट के लिए देखे जा रहे हैं, बिकॉज कुलदीप यादव ऐसा हो गया कि उनको टाइम चाहिए, उनको मतलब एज इन उनको मौका देना है, मतलब एज इन टू सेटल, तो आई थिंक दैट वन डे फॉर्मेट इज बेटर फॉर हिम एट दिस स्टेज, बिकॉज आपके पास और ऑप्शन है T20 के लिए। तो लगे आप ये भी पूछ लो, अब ये पक्का पक्का सा लग रहा है कि 3-4 प्लेयर्स जो है हर फॉर्मेट खेलेंगे, बाकी सारे प्लेयर्स रोटेशन पे रहेंगे या चेंज होंगे, आई थिंक वही हो रहा है, स्पेशली वनडे टी20 के बाद। हां बस वही हो रहा है पिछले काफी सालों से, आप देखें इवन व्हेन अंबती रायडू वाज देयर ही वाज नेवर कंसीडर्ड फॉर T20 क्रिकेट, ही वाज ओनली कंसीडर्ड फॉर वनडे क्रिकेट, एंड आई थिंक वही हो रहा है, तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज़ ये सब जगह यही हो रहा है। आप वेस्ट इंडीज का टीम निकाल के देख ले, उनमें से 5 लोग हैं जो वनडे और T20 खेल रहे हैं, राइट, उनका जो, और पाकिस्तान का निकाल के देख ले, उनमें भी ऐसे काफी लोग हैं जो सिर्फ T20 खेलते हैं, इंग्लैंड का निकाल के, इंग्लैंड एक वाइड टीम है जिसके पास इंटरचेंजेबल है, बिकॉज उनके प्लेयर वनडे भी T20 की तरह खेलते हैं, पर फिर भी दावेड मलान जो है वो सिर्फ T20 खेलते हैं, और जो रूट को वो लोग T20 में कंसिडर नहीं करते वनडे में खेलते हैं, राइट। चले इंग्लैंड पाकिस्तान की बात है तो उनका भी गेम चल रहा है, पाकिस्तान इनफैक्ट हार चुकी है वो गेम और इंग्लैंड जीत चुके हैं अपना मैच 45 रन से, बट एनीवे टाइम बहुत कम है, थैंक यू सो मच जर्नीमैन फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड लेट्स होप कि इंडिया 6-0 से ब्लैंक करके आई ये सीरीज, शायद यही हो, यू नेवर नो, बट तब की बात तब देखी जाएगी,
आज के लिए. थैंक यू वेरी मच चंद्रेश भाई. थैंक यू देवाशीष भाई. थैंक यू थैंक यू चंद्रेश भाई. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.